मोदी जी ने अगर 50 काम अच्छे किए हैं तो 150 काम गलत भी किए हैं। इन्हीं हिंदुओं ने हमारी बहन बेटियों को फूलंदे भी बना दिया। जो दो नंबर की दारू उतार के बेचते हैं, जो गलत आदमियों को सताते हैं, वो सभी शूद्र हैं। हम किसी भी यात्रा पर जाएं, कहीं भी जाएं, हम टैक्स क्यों दें? हम ये चाहते हैं जो हिंदू यात्राओं पर जो कर लगाए जा रहे हैं उन्हें कर से मुक्त किया जाए। क्या जाति है? साधु, साधु जाति है। साधु साधु गुटखा खा रहा है। साधु गुटखा क्या होता है? तो खा रहे हैं। मैं सारस्वत पुत्र ब्राह्मण हूँ और सभी ब्राह्मणों का मान्य हूँ। उसका उद्घाटन करना चाहिए पंचायती राज को, जिसका देश है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत करती हूँ। आप मेरे चारों ओर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भगवा रंग में सारे महिला और पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग जम्मू कश्मीर से और कुछ लोग दिल्ली से हैं। यहाँ पे ये लोग अमरनाथ यात्रा पे कुछ टैक्स लगे हुए थे उसको ख़त्म करने की बात करने के लिए आए हैं। हम इनसे कुछ सवालों पे सवालों का जवाब मांगते हैं, कुछ चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ पहल हो चुका है, जैसे कि नए संसद भवन में सैंगुल रखा जा रहा है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए आप लोग करवर माफ करवाने के लिए। हम क्या, पूरा राष्ट्र प्रसन्न है इस बात? हिंदू राष्ट्र सब प्रसन्न, सभी प्रसन्न है। हम तो नहीं है प्रसन्न। आपकी प्रसन्न नहीं है? आप हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हम तो संविधान चाहते हैं। नहीं नहीं, आप हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हम हिंदू हैं। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि आप प्रसन्न नहीं है? हम आपकी प्रसन्न नहीं है इस बात से? आप चाहते हैं कि जजिया टैक्स लगा रहे? नहीं, टैक्स से हिंदू आप चाहते हैं कि जजिया टैक्स लगा रहे? नहीं, टैक्स की बात नहीं आ करे। आपने हम ये टैक्स के मुद्दे पर ही यहाँ पर आए हैं। हाँ। हमें मुद्दे से भटकाना जाए और जो बात हम कहने आए हैं उस बात को ही रखा जाए, इसके अलावा दूसरी बात ना रखी जाए, कृपया करें। आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही। हिंदू राष्ट्र में देखिए, हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है? यहाँ महिलाएं सड़क पे हैं। देश की सबसे बड़े पंचायत घर में, तो ये तो देखना चाहिए सभी को। क्या हम भी इनके पक्ष में है, सभी के पक्ष में? जो हाँ, जो देखो मेरी बात सुनो, जो सही है उसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। हम जो अपनी मुद्दे लेकर आए हैं, हमारी जो मांग है वो मांग यही है कि हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर कर मुक्त होने चाहिए ये सब। आपने कहा हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, तो इधर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है, सभी लोग बटे हुए हैं, सभी ने अपने अपने धर्म बांट रखे हैं, ठीक है। जबकि सनातन धर्म सबसे पहले और आखिर में भी सनातन धर्म ही रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे बुद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध को अपनाए हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, देखो हम किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं, हमारा यही एक मुद्दा है कि इस जो यात्राओं पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उस टैक्स को, वो मुद्दा तो ठीक है, लेकिन हम आपसे मुद्दा से हटके ये बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की ये हालत है। महिलाओं की ये हालत है, वो भी हिंदू आदमी ने किया है, गलत किया इनके साथ। आपके पास कोई साक्ष्य है या इनके पास कोई साक्ष्य है या उसके पास कोई साक्ष्य है? अभी ये कोर्ट में केस चला गया है। तो आप लोग फिर यहाँ पे समर्थन देने क्यों आए? आपको इनके बात पे विश्वास नहीं है? क्यों नहीं विश्वास है? हमें सब पर विश्वास है। सात लड़कियों ने यौन शोषण का, हमें नाबालिग लड़कियों ने, बेटा हमें सब पर विश्वास है, ठीक है। जो गलत है उसे दंड प्रभु भी देंगे, ऊपर वाला है। अंतर आत्मा जो बैठी है इसमें, जो भगवान बैठा है ना, हमारा प्रभु बैठे हैं, हम सबको धोखा दे सकते हैं, जो हमारे अंदर बैठा है ना उसको धोखा नहीं दे सकते। अगर किसी ने गलत किया है तो आज नहीं तो कल उसे दंड जरूर मिलेगा। उन्हें दंड जरूर मिलेगा बेटा, उन्हें दंड मिलना है तो दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये किसी, हम जिस मुद्दे पर आए हैं उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी एक महिला पत्रकार हूँ, लड़की हूँ, तो हमें भी डर लगता है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद अगर ये आपको डरने की क्या आवश्यकता है, बताओ मेरे को। जब इतनी बड़ी महिलाओं के साथ, इतनी बड़ी जो विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर सकती है, इनके साथ जब ऐसा हो रहा था हमारे साथ, आपको डर तो इस बात तब होना चाहिए ना जब आपको कोई समर्थन ना दे रहा हो, सभी आपके साथ हैं। समर्थन से क्या हो रहा है? वो अभी मजे से जिंदगी जी रहा है और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं देखो, ये जो बैठे हैं ये अपनी आवाज़ लेकर बैठे हैं, आज नहीं तो कल इनके बात जरूर सुनी जाएगी और हम भी चाहते हैं कि आवाज़ सुनी जाए, इनके आवाज़ सुनी जाए और इनके लिए जो अगर अन्याय हुआ है तो इंसाफ जरूर होना चाहिए। इंसाफ तो वो संविधान और कानून ही करेगा।
जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून पर छोड़ दो ना, ठीक है ना। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, संविधान या हिंदू राष्ट्र का तो कोई रोल ही नहीं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारी आत्मा जो हमारे अंदर जो बैठे हैं प्रभु, वो तो देख ही रहे हैं चाहे किसी से भी छल किया जाए। हम अगर किसी से छल करते हैं आज, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं संविधान से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं। संविधान तो चलेगा ही चलेगा। संविधान से कौन मना कर रहा है संविधान के लिए बताओ? किसी ने मना किया? संविधान से अगर चलेगा तो द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन में उद्घाटन में बुलाया नहीं था। आप मेरी एक बात का जवाब दे, हमने कभी संविधान को नकाराया गया? नहीं नकारा ना। लेकिन हम नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं जो हिंदू यात्राओं पर जो कर लगाए जा रहे हैं उन्हें कर से मुक्त किया जाए। जीडीआर टैक्स नहीं चलेगा, क्योंकि टैक्स किस बात का दे बताओ? मेरी बात सुनो, हम किसी भी यात्रा पर जाएं, कहीं भी जाएं, हम टैक्स क्यों दे? अरे वो टैक्स की तो बात ठीक है, टैक्स की बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आप मुद्दे से हिंदू राष्ट्र या संविधान? हिंदू राष्ट्र है ही है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और रहेगा भी, हिंदू राष्ट्र आगे भी रहेगा। सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सारे धर्म, सर्वधर्म सर्वोपरि, ठीक है, ये हमारे हिंदुओं की मान्यता है। हमने माना है इस बात को कि हमने सभी धर्मों को सर्वोपरि माना है, ठीक है ना। कोई अपने धर्म को ऊंचा कहता है, कोई अपने धर्म को ऊंचा कहता है, लेकिन हम किसी का जाति के लोग, किसी के धर्म को जाति के लोग हिंदू है, किसकी नहीं कहते हैं? हम शूद्र कहते हैं, आप शूद्र कहते हैं? किसको शूद्र बोला? जो नीचे का एससी एसटी सब लोग, हम संत समाज से जुड़े हैं, हमारे लिए सभी एक समान है। जैसे शिव कहते हैं ना, शिव के लिए सभी एक समान है, तो हम शैव पंथी है, हमें लिए हमारे लिए सभी एक समान है। ना कोई शूद्र है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है। रामचरितमानस में तो, रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशु नारी इस तरीके की बातें, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, आप बताइए। शूद्र का जितने भ्रष्टाचारी आतंकवादी चोर बेईमान जो दो नंबर की दारू उतार के बेचते हैं, जो गलत आदमियों को सताते हैं, वो सभी शूद्र हैं। देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं हमारे सवालों से बचकर। खैर आप बताइए, शूद्र कौन है? जितने मानवता के खिलाफ जो, आपका क्या जाति है? साधु जाति है। साधु गुटखा खा रहा है। साधु गुटखा क्या होता है? आप तो खा रहे हैं। आपकी सरकार से एक बात नहीं बोला कि आज क्या क्या खाना चाहिए? कि शराब के ठेका पहले खुलवाए, खुलवला के बाद में हमको गुटखा बोल रहे हो? गुटखा के 1 रुपए की पुड़िया मिलती थी और उस कोर्ट ने कहा गुटखा बंद, एक तरफ तम्बाकू एक तरफ पुड़िया, 5 रुपए गुटखा हो गया। हिंदू धर्म से क्या होगा, हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? हिंदू का मतलब होता है जिसके हृदय में न्याय और दया हो, दुआ हो, उसको हिंदू कहते हैं। देखिए हिंदू ने क्या किया है उनके साथ? किसने? वो हिंदू ही है। ये आज नहीं किया, इन्हीं हिंदुओं ने हमारी बहन बेटियों को फूलन देवी बना दिया। इसी समाज ने हमारी बहन बेटियों का कत्ल किया। क्या जाति है? क्या जाति है आप? आपकी क्या जाति? राधिया साधु जाति। वैसे तो हम अगर हमारे परिवार ओबीसी एससी एसटी क्या है? हमारी पारिवारिक जाति है ब्रह्म भट्ट सारस्वत पुत्र और ब्राह्मणों का सिरमौर, सभी का सम्मानित। मैं सारस्वत पुत्र ब्राह्मण हूँ और सभी ब्राह्मणों का मान्य हूँ, और हमेशा आज नहीं आर्यभट्ट, वेद भट्ट, बाण भट्ट, ये सब हमारे पूर्वज रहे, चंद्र भट्ट, बीरबल, इन्होंने हमेशा मंत्री का पद धारण किया और जनता को, राजाओं को अच्छा। वहाँ पे आप लोगों ने हवन करवाया, हवन से क्या होगा? हवन हमने नहीं, हवन संत लोगों ने करवाया। हवन से ये होता शुद्धिकरण, घी का जो वास निकलता है उससे बहुत शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए उसकी खुशबू से मनोबल जो है आपका बढ़ता है और मन की दुबुद्धि जो है कुबुद्धि वो हट जाती है। यही क्योंकि वो महामंत्र का जाप होता है। हाँ जी, महामंत्र मणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। शूद्रों का क्या होगा भाई? शूद्र कोई है नहीं। दीदी आप क्यों बने सर? जाति के नाम से, जाति के नाम से जो लोग मार रहे हैं उसका क्या? वो सभी शूद्र है जो जनता के साथ धोखाधड़ी करे, वो सभी शूद्र है जो अत्याचार उग्रवाद भ्रष्टाचार बेईमानी चोरी चालाकी करे, वो सभी शूद्र है। मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं क्या? हाँ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अकेले मोदी जी के अच्छा करने से क्या होगा? जब पूरा देश अच्छा करेगा तभी अच्छा होगा। मोदी जी अच्छा करे, अभी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया नए संसद भवन के उद्घाटन, सॉरी राष्ट्रपति को। मोदी जी ने अगर 50 काम अच्छे किए हैं तो 150 काम गलत भी किए हैं। हाँ अभी आपको पता है नया संसद भवन बना है? हाँ मालूम है। उसमें
कौन उसका उद्घाटन करना चाहिए? उसका उद्घाटन करना चाहिए या पंचायती राज को जिसका देश है? पंचायत उसका उद्घाटन करेगी, राष्ट्रपति नहीं करेगी। ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री को हक है, ये हमारा देश पंचायती राज है और पंचायत को उद्घाटन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो है शिवसेना की तरफ से आए थे यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पे, टैक्स को खत्म करने के लिए 250 रुपए लग रहे हैं इन लोगों के, तो उसको खत्म करने के लिए। लेकिन जो सवाल हमने किए इनसे कि इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हमने सवाल किया, आपने सुना ही होगा कि हिंदू राष्ट्र में बेटियों की ये दशा है और आप और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में शूद्रों का क्या होगा? तो वो आपने देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र में जिसको ये लोग शूद्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण जो शूद्र बोलते हैं, उनको उनकी क्या दशा होगी? तो इन सारे सवालों से जब हमने इनसे रूबरू किया, मैं इनसे पूछा, तो वो भाग गए जी चुरा के। आप लोग क्या सोचते हैं, ये जो लोग धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू धर्म की बात करें, क्या उनके नजर में शूद्र जो SC ST और महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या वो कितनी इज्जत करते हैं? आप लोग की इस पूरी खबर पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।